अगर पूरे दिल्ली पूरे वाला एरिया है वहाँ से वैसा कुछ एरिया है। हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी भाई। मैं आपको लेके आज का दिल्ली से बड़े किलाओं में से एक, इसका नाम है तुगलकाबाद किला और ये पड़ता है दिल्ली के बदरपुर साइड में। और यहाँ पे लोकेशन क्या रहने वाली और यहाँ पे टिकट टाइमिंग क्या रहने वाली, पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब। सो भाई दोस्तों, यहाँ टिकट काउंटर यहाँ का जो भाई यहाँ पे इंडियन से, तो आपकी टिकट रहने वाली 20 रुपये। अगर आप ऑफलाइन लेते हैं टिकट पड़ेगी 25। अगर आप आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं फॉरनर से, तो आपकी टिकट रहने वाली 250 रुपये। तो भाई ये कुछ ऐसा यहाँ का एरिया, हमने टिकट हमने ले लिए। सो फिलहाल ये पूरा एंट्रेंस है, ये तुगलकाबाद फोर्ट का एरिया है। तो सामने को है तुगलकाबाद का मकबरा है वाला, जो पूरा एरिया देखने वाला है। सो आज की वीडियो में कवर करने वाला है तुगलकाबाद फोर्ट का पूरा एरिया है, ये कवर करने वाला वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तुगलकाबाद मकबरे का। सो पहले एक ही हुआ करता था। सो बीच में देख लो यहाँ पर टूट रही है दीवार से, टूट रही है और सड़क हो चुकी है। काफ़ी प्राचीन समय में पहले मतलब एक ही हुआ करता था, फोर्ट और किला मतलब मकबरा पूरा एक में ज्वाइंट था। सो अभी फिलहाल ये पूरा अलग हो चुका है और पूरा कवर करते हैं, मकबरे के अंदर चलते हैं भाई फिर। तो यहाँ का भाई एंट्रेंस कुछ इस तरह से है, आप देख ही रहे होगे, काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी पेड़ पौधे अच्छे खासे लगे रहे हैं भाई। यहाँ पूरी यहाँ पे ये स्टार्टिंग एरिया आपको काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है देखने में। इधर राइट साइड पर जंगल की ओर है ये फोर्ट, काफ़ी वास्तव में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई। ये देख रहे हो काफ़ी दूर दूर तक वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है। कम से कम ये अप्रोक्स माना जाता है 6 किलोमीटर रेंज में फैला हुआ फोर्ट है ये एंट्रेंस है। हमने वहाँ से अपना एंट्री ले लिया फाइनली। और ये पूरा अपना एरिया पड़ता है बावली का, वहाँ से बावली वगैरह है, काफ़ी सुंदर बावली और भी दिखाएंगे आपकी वीडियो में। फिलहाल तो भाई हम यहाँ पे एंट्री में लेके हैं पूरा ये वाला एक्सप्लोर भाई, सबसे मोटी दीवार यहाँ पे आप कह सकते हो पूरे किले में। सो भाई फिलहाल तो हम यहाँ से पूरा कवर करने वाले हैं, तो भाई चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है वहाँ से, तो पूरा आपको वहाँ से लेकर ये काफ़ी बड़ा फोर्ट भाई, काफ़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है। ये देखिए भाई, अगर पूरे दिल्ली सबसे मोटी दीवार का फोर्ट आया जाता है, यहाँ पर काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं, ऊंचाई से हैं, पूरा किला है, पूरा किला किला हुआ ही नहीं है किला के रूप में बनने वाला है। तो भाई दरअसल बात ऐसी है भाई, फोर्ट तो काफ़ी बड़ा है ही है, गर्मी भाई ऐसी है भाई, अकेले नहीं आ तो ठीक है, ऐसा प्लेस से ठंड के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गर्मी भाई तो बिल्कुल ही बोलूँगा बिल्कुल आप नहीं आए, मैं बस आ चुका हूँ, फंस चुका हूँ गलती से, क्योंकि मुझे लगा सुबह का थोड़ा ठीक हुआ करता था, मतलब ठीक ठाक ही होगा मौसम। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है समझ, जैसे आप मॉर्निंग में आए या तो इवनिंग में आए, नहीं तो ठंड में सबसे बढ़िया जगह रहने वाली है भाई ये, पूरा ठंडा आप जाकर कवर कर सकते हैं। ये जो पूरा एरिया है श्रापित किला, इसको बोला जाता है श्रापित किला है ये वास्तव में भी, ये किला वास्तव में पूरा बन ही नहीं पाया, श्रापित हो चुका था। और ये किला 600 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है लगभग, काफ़ी इससे ज़्यादा ही हुआ थोड़ा बहुत, और पूरा किला वैसा खंडर सा है। तो ये जो भाई दोस्तों आप ये देख रहे हो भाई, पूरा फोर्ट का एरिया है अपना, जो सामने देख रहे हो मकबरा का है, लेकिन ये पूरा फोर्ट में पहले एक में पूरा इंक्लूड हुआ करता था प्राचीन टाइम में। और ये फोर्ट आपको लगभग मीन्स जो आपको 6 किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा प्लस में फैला हुआ है, जो ये वाला पूरा एरिया, हाँ भाई एंट्री वगैरह अलाउ नहीं है, तो यहाँ पर तो हम जा नहीं पाएंगे। वैसे आप जाते हैं यहाँ पर रिक्स पर ही जाना, काफ़ी मतलब यहाँ पर जो फुकरे बंदे होते हैं चोरी चमाटे यहाँ पर, सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप नहीं जाओ तो ठीक रहेगा। ट्रेंस पूरा मतलब काफ़ी फालतू लोग वहाँ पे मिलते हैं, वहाँ पे अपनाए जाए तो ठीक रहेगा। मतलब पूरा ओवरऑल जो मोटी मेरा बताने का ये है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा फोर्ट है पूरे दिल्ली में, और 6 किलोमीटर में दूर दूर से देख रहे भाई, पूरी ऐसी मतलब बड़ी बड़ी इमारतें हैं, काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं यहाँ पे, ये देखिए भाई। सो भाई पूरा एरिया आपको ये वाला एरिया था मिल गया था मैं आने के लिए, और यहाँ पर पूरे इमारतें हैं, यहाँ पर काफ़ी आपको छाएँ मिल सकती है बैठने के लिए, आप कपल्स वगैरह सब यहाँ पर इजली स्टे कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे कपल्स बैठे हुए हैं, उनको प्राइवेसी रखते हैं इस वीडियो में, शो ऑफ नहीं करते हैं। बाकी चलते हैं आपको खूबसूरती को दिखाते हैं किले की। सो भाई पूरे यहाँ पे ऐसे रहने वाला है, देख रहे भाई काफ़ी पूरा यहाँ पे अंदर जाने का भी अच्छा सा लग रहा है, कुछ ऐसे भूली भटेर का महल था वैसे, यहाँ पे एंट्रेंस गेट है वाला पूरा ऐसे भूली भटियारी का वैसा ही लग रहा है देखिए।
सो यहाँ से भाई ये पूरा खंडर है अपना। हाँ पैंटी वाला अलाउ नहीं है, जा सकते हैं फिर अपना रिक्स होता है भाई जाना है नहीं जाना। ये पूरे ऐसे ही मारते हैं काफ़ी दूर बड़ी बड़ी। सो अब यहाँ चलते हैं। एक्चुअली वास्तव में इतना किला इतना ही बड़ा विशाल है, आप पूरे दिन भी घूमो तो घूम नहीं पाओगे, काफ़ी बड़ा है देखिए। सो भाई सबसे ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ से हम, और पूरा आपको पूरा ऊपर से व्यू पूरा दिखाएंगे पूरे दिल्ली पूरे बत... तो यहाँ से आप पूरे किले को इजी आप देख सकते हैं। ये पूरा किला भाई ये देखो, ये पूरा अपना एरिया है, वहाँ तक पूरा फोर्ट यहाँ से दिख रहा है, पूरा फोर्ट हो जो ये यहाँ तक देख रहे हो भाई आप, वही पूरा फोर्ट से टच में ही है, लेकिन वहाँ पेंट वाला अलाउ नहीं है अब। भाई ये पूरा एरिया अपना एंट्रेंस का था, वहाँ से अपने एंट्री ली थी, तो आपको पूरा आते हैं मिल जाएगी मस्जिद। सो मस्जिद आप सीधा आएंगे यहाँ पर पूरा ये वाला भी मिल जाता है, इस मीना बाज़ार के लिए पूरा नीचे देख रहे हैं पूरा मीना बाज़ार है जहाँ पे पहले मार्केट वगैरह लगी करती थी। सो भाई चलते हैं कि और यहाँ पे मीना बाज़ार में क्या क्या मिलता था पूरा दिखाता वो मार्केट कैसी थी कैसे है क्या है। सो भाई ऐसा यहाँ पे कुछ एंट्रेंस टाइप का है, नीचे पूरा गहराई में बना हुआ है, पूरा थोड़ा डर सा लग रहा है वैसे लोग खेलें। ये देखो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था फिलहाल, तो काफ़ी सीढ़ी है बड़ी बड़ी। ओह शिट यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, तो पूरा शॉप वगैरह करते हैं, शॉप कुछ हुआ करते हैं, पूरा शॉप का लेफ्ट साइड राइट साइड पूरा ऐसा आपका मीना बाज़ार है, दूर दूर तक पूरा आगे तक पूरा बाज़ार का वेल खावा है। और यहाँ पे हर दो कदम पे एक शॉप आपको मिल जाएगी, जैसे कि किधर है सेम है किधर है, ऐसी प्रॉपर शॉप है पूरी पूरी। यहाँ पे अभी तो फिलहाल तो काफ़ी ज़्यादा गंदगी है और बदबू वगैरह आ रही, चमकादड़ वगैरह काफ़ी है अंदर ज़्यादा, ये आप देख रहे हो। और यहाँ से रास्ते आता है ऊपर मिल जाएंगे, इसलिए देखेंगे।